अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया मेमन और ये है मारिया मेमन पॉडकास्ट। डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनमें तो हम जब देखते हैं तो आगही भी है इससे बारे में और उसके बारे में गुफ्तगू भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो कॉन्वर्जेशन हम नहीं कर रहे हैं वो बच्चों में जो डायबिटीज़ है और जो अर्ली एज में डिटेक्ट होती है और जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके बारे में बहुत कम हम बात कर रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में जो मेरी मेहमान है वो खुद भी डायबिटिक है, टाइप 1 डायबिटीज़ है उनें। 9 साल की उम्र में पहली दफ़ा उनको पता चला। आयशा उमेर छापड़ा, थैंक यू आयशा, आप इस बारे में गुफ्तगू कर रही हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली मुझे बताया गया था कि लड़कियां और ख्वातीन छोटी उम्र में जब इन्हें डायबिटीज़ होती है तो उनके इर्द गिर्द मुआशरा कहता है कि इसके बारे में किसी को ना बताना। लेकिन आयशा, पब्लिकली आप इसके बारे में बात भी करती हो, सबसे पहले तो बताओ ये क्यों? क्योंकि ख्वातीन के बारे में हम यही कहते हैं ना, रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, लोगों को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या बातें करेंगे, हमें सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आप कोई परवाह नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड दूसरा ये है कि लोग डायबिटीज़ को जब कहते हैं कि इट्स अ बीमारी, इट्स अ डिजीज़, हाउएवर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ कंडीशन, इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें आपका एक जिस्म का हिस्सा फंक्शन नहीं करता है। वो जो हिस्सा जो है, इट्स द पैनक्रियाज जो नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। बट फॉर डायबिटिक्स उनको इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, इंसुलिन पेंस की ज़रूरत होती है, जिससे उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज में रहते हैं। ठीक है, अब बात जब आती है डायबिटीज़ पे एंड लड़की ज़ात पे, दैट अनफॉर्चुनेटली इज़ अ स्टिग्मा, इट्स अ मिथ, एक बहुत बड़ा मिथ और बहुत बड़ा स्टिग्मा है। बिकॉज कहा जाता है कि लड़की के बारे में ये मत बताना कि इसको ये ज़ियाबतीज़ है, इसको शुगर की बीमारी है, रिश्ते नहीं होंगे, शादी नहीं होंगी। बात इस बात पर आती है ना कि हाउ विल शी फील कि यू नो इफ़ दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट माई लाइफ फॉर एवर, देन मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। एंड सबसे ज़्यादा जो इस पे जोर डालते हैं ना, वो फैमिली वाले डालते हैं। अच्छा, यस, फैमिली डालते आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग जितने जानने वाले होते हैं, जितने खानदान वाले होते हैं, वो सब कहेंगे हाई बेचारी, हाई बेचारी। फर्स्ट थिंग दे से इज हाई बेचारी। आप ये सुन रही हो, बचपन से सुन रही हो हाई बेचारी, हाई बेचारी, हाई बेचारी। एंड इट गॉट टू अ पॉइंट के मैंने अपने आप को यू नो लाइक आई कम्प्लीटली शट माई सेल्फ ऑफ। मैंने कहा कि यू नो मत बताओ, I used to feel that way कि मत बताओ, मत बताओ। But then जब मैं स्कूल जाने लगी, अम्मी ने कहा कि you have to tell people, you have to tell your teachers कि you have this condition, अल्लाह ना करे आपकी शुगर लेवल डाउन हो गई तो then what's going to happen? कोई हेल्प कर सके, किसी को पता हो कि किसी को पता हो। एंड द थिंग इज नॉट मैनी किड्स वर अवेयर के एग्जैक्टली है क्या, what is diabetes, what is it? Because the word die, that's what they would focus on. Die, are you is it something serious, is it something deadly? are you going to die really? Diabetes means you could possibly, yes. I did not know that kaise bhi hota ye mujhe kaha gaya tha ek bar school mein bachchon ne okay. And it was very hard to make friends also. Achha. Because you know, discussing what I have and then also knowing ke you know मेरे अंदर जो ये इट मेड मी फील डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। इस पे मैं इसके मैं थोड़ी सी आगाज से बात करना चाहती हूँ। 9 साल में आपको ये डायग्नोस होती है डायबिटीज़, तो आपको अंडरस्टैंडिंग थी ये क्या? I had absolutely no idea। बच्चे को क्या पता 9 साल के? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता था कि वो मेरे फिंगर्स प्रिक कर रहे हैं, मेरा शुगर टेस्ट कर रहे हैं और मुझे इंजेक्शन लग रही है। आई थॉट मे बी वॉज जस्ट समथिंग यू नो लाइक मे बी एक बहुत बुरा फ्लू हुआ है मुझे, टेम्प्ररी है तो। बट आफ्टरवर्ड्स आई यूज टू वॉच माई फादर प्रैक्टिस यू नो पुटिंग दी इंजेक्शन, एंड नर्स आती थी, अबू को ट्रेन करती थी एक ऑरेंज के साथ। शी कम विद एन ऑरेंज, शी कम विद द इंसुलिन नीडल एंड शी सेड कि देखो दिस इज द ऑरेंज, द
the orange is your child's arm, it's the muscle. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू इट, दिस इज हाउ. तो अब्बू ने इतना प्रैक्टिस कर करके माय फादर वाज वेरी सीरियस अबाउट इट. ही सेज आई एम गोइंग टू टेक ओवर दिस, आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस. सो उन्होंने फिर ये तमाम जो कुछ चीजें सीखी, ऑब्वियसली कि पूरे घर में वालदैन जो है वो एक बच्चे को उस वक्त गाइड करते हैं, उनके लिए डायबिटीज मैनेज करते हैं. सो आपको भी है, आपके एक भाई को भी है डायबिटीज, बचपन में डायग्नोज हो गई थी. टू एंड अ हाफ पे हुई थी. और आपकी एक बहन है, उसको नहीं है, राइट? अच्छा, अब जब डायबिटीज डायग्नोज हो गई, तो उससे पहले आप एक आईसीयू तक पहुंच गई थी, मुझे बताया था आपकी वालदा ने. उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे ये मुश्किल वक्त आपको वहां देखा. 9 साल की उम्र में यू वर इन आईसीयू. यस. क्यों? Because my sugar level was 985. और खोना कितना चाहिए? It should not be that much. It should be like for a normal person, it should be in, at least around 80 to 126. So, because that is the normal range. Otherwise, if you're above that, then it's almost borderline. But for me, it was ऐसा लग रहा था कि बस इतना ज्यादा हो गया था कि बस समझ में नहीं आ रहा था कि यू नो 900 कैसे, हाउ ये हो, कैसे हो गया. और उस वक्त में इतनी मुझे प्यास लग रही थी, आई जस्ट मुझे बस पानी चाहिए था. और मैं बोलती जा रही थी पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए. और फिर आप कोलैप्स कर गई? कोलैप्स नहीं, हाँ कोलैप्स की. एंड देन बट आई वाज कॉन्शियस, मैं होश में थी. होश में था, मैं होश में थी जब मेरा शुगर लेवल किया. तो डॉक्टर्स ने फिर बस इन्फॉर्म कर दिया था कि 985 शुगर लेवल. एंड माशाल्लाह से नाना बिल्लू अल्लाह मियां, उनको हमेशा यू नो ही कीप्स मी इन, कीप हिम इन माय प्रेयर्स. ही वाज माय पीडियाट्रिशियन एंड बचपन के मेरे डॉक्टर. ही केम टू माय मदर, डॉक्टर गफार बिल्लू, ही केम टू माय मदर एंड ही जस्ट टोल्ड हर के बेटा आयशा को डायबिटीज हो गई है. अच्छा, तो नाउ अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू मैनेज. तो अब आप 9 साल की हैं, आपको डायबिटीज हो गई है, लाइफस्टाइल किस तरह से बदला आपका उसके बाद से? लाइफस्टाइल बदला इस तरह के उठना, इंजेक्शन लगाना, नाश्ता करना, फिर लंच करना, फिर डिनर करना, डिनर के बाद रात का इंजेक्शन लगाना. It became that kind of a 2 injections per day, 2-3 injections depending on your sugar level. So 9 saal ki umar se aapko ye abhi tak musalsal lag rahe hain ya aapko? yes ab to ye lifestyle hai, lifestyle ab hote jaye, badalta gaya. It's Achha. Not like hum ek routine mein rahe, hum badalte jate. Haan. We keep progressing. Lekin ye aapko tab se ye injections lag rahe hain, तो फिर ये एक्सेप्टेंस कैसे आई? क्योंकि आपके इर्द गिर्द और भी तो 9-year-old बच्चे हैं, उनको तो नहीं इंजेक्शन लग रहे, मुझे तो रोजाना इंजेक्शन लग रहे हैं और इंजेक्शन से इतना खौफ आता है, मुझे भी तक आता है. मैंने एक बार जब मैं लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग, मैं जब डायग्नोज हो गई थी, जब मैं डिस्चार्ज हो गई थी, तो आई थिंक इसके 1-2 महीने के बाद, लाइक सेटल होने के बाद, माई पेरेंट्स टुक मी टू अ सुपर मार्केट. और वहाँ से यू नो उन्होंने कहा कि तुम अपनी पहली शुगर फ्री चॉकलेट खरीद सकती हो. और मैंने फर्स्ट थिंग मैंने की, मैंने वो बार जब उठाई, चॉकलेट बार, उसमें एक लेबल लिखा हुआ था सूटेबल फॉर पीपल विद डायबिटीज. तो मैंने बस अपनी अम्मी को देखा, मैंने कहा अम्मी मुझे डायबिटीज़ है. एंड अम्मी ने कहा हाँ आपको डायबिटीज़ है. तो मुझे एक तो पता नहीं था एग्जैक्टली डायबिटीज़ क्या है. तो मैंने अपने कंप्यूटर पर गई, मैंने रिसर्च की कि डायबिटीज़ होती क्या है. तो उसके बाद मुझे एक्सेप्ट, मैंने फिर स्लोली एक्सेप्ट करने शुरू कर दिया अपने आप को कि हाँ अगर ये है मेरे जिस्म में, इफ़ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा. किस एज में आपको एक्सेप्टेंस आई? ये आई 9 साल. 9 साल की उम्र में यू जस्ट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट? आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट. ओके. और फिर तो खाना उस उम्र में, तो आप कितना कुछ खाने को दिल करता है, अभी भी हमारा दिल करता है, बड़ी मुश्किल से रोकते हैं अपने आप को. और जो होता था वो होता गया, बट हर चीज़ जो मैं खाती थी माशाल्लाह से, और मैं खाती भी हूँ, वो लिमिट में खाती हूँ. आई मीन ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने आप पे अब मैं बदपरहेजी कर रही हूँ, मैं बस शुगर पे शुगर खा रही हूँ. समटाइम्स आई गेट डेस्परेट बिकॉज आई डू क्रेव शुगर, बिकॉज माई शुगर लेवल्स आर ड्रॉपिंग.
माई बॉडी इज़ ग्रोइंग, मैं एक औरत हूँ, मैं मेरी डिफरेंट चीज़ मुझे डिफरेंट चीज़ें हो रही है, मैं प्यूबर्टी के थ्रू गुजर रही हूँ, तो उसमें भी इतनी वो होती है, स्पेशली व्हेन जब आप 13-14 ईयर्स की होती है तो इतने हॉर्मोन्स आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फिर बॉडीली चेंजेस होते हैं, तो ऑब्वियसली वो डायबिटीज उस पर भी अफेक्ट करता है। ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब आपने कहा कि 9 साल की उम्र में एक्सेप्टेंस आ गई, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, लेकिन आपके इर्द-गिर्द बच्चे इतने फ्री हैं, वो छलांगे मार रहे हैं, वो जब कुछ खेलना है खेल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, वो जो खाना है खा रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी एक डिसिप्लिन है जो आपको करना है, राइट? पढ़ाई पे इससे फ़र्क पड़ता है? पढ़ाई पे इतना मुझ पर फ़र्क पड़ा था इन अ वे, बट वन थिंग केम टू माइंड के मुझे बस आई कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकती, स्पेशली पढ़ाई का स्ट्रेस, बिकॉज यू नो एग्ज़ाम है, पास नहीं होंगे फेल होंगे, लूज़र हो जाओगे, एडमिशन नहीं मिलेगा, दूसरे स्कूल में नहीं एडमिशन मिलेगा, कॉलेज नहीं एक्सेप्ट होंगे, यूनिवर्सिटी नहीं एक्सेप्ट होंगी। मेरे पेरेंट्स ने बस एक चीज़ कहा मुझे कि देखो सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, ट्रू, अगर आप ग्रेड भी लेकर आओ जस्ट पास हो जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू आर हेल्थी दैट्स द मेन पॉइंट। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि कैसे कॉन्वर्जेशन बदल जाती है एक डायग्नोसिस के बाद, राइट? कि बेटा आप हेल्दी रहो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बुलिंग हुई आपके साथ, आपने मुझे बताया था, ये क्यों हुई बुलिंग, क्यों डायबिटीज़ की वजह से, इसकी वजह से भी लोग बुली करते थे? दैट्स द थिंग, वो इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त, स्पेशली कि यू नो यू आर अ चाइल्ड हु इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। तो एक दफ़ा का जिक्र ये है कि मैं क्लास में थी और उस वक्त ब्रेक चल रही थी, अम्मी मेरी रोज़ स्कूल के बाहर बैठी हुई होती थी और ब्रेक टाइम में अम्मी आके मेरा शुगर लेवल टेस्ट करती थी, और जब मेरा शुगर लेवल नॉर्मल होता था तो अम्मी मुझे ट्रीट देती थी, अम्मी मुझे एक टॉफ़ी देती थी, अम्मी मुझे एक केक देती थी। ये हर रोज़ हो रहा है? ये हर रोज़ हो रहा था। एंड एक बार ऐसा हुआ कि अम्मी के पास टिश्यू नहीं था और मेरा खून निकल रहा था उंगली से, तो अम्मी ने अपने सर से लाइक मदरली उन्होंने बस साफ कर दिया। कुछ लड़कियों ने देखा एंड उन्होंने फिर बातें पहनानी शुरू कर दी कि हाय इसके घर में शायद यू नो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, शायद नहा नहीं सकते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये लोग टिश्यूज़ खरीद सकते हैं, इसकी माँ ने तो अपने सर पर इसका खून डाल दिया। तो उन्होंने उसके बाद मुझे नापाक बोल दिया, कोई मुझे हाथ नहीं लगाता था। सीरियसली, जब आपकी अम्मी ने वो खून जब अपने सर से ऐसे साफ किया, उसके पास आपको स्कूल की लड़कियों ने नापाक बोलना शुरू कर दिया? आई मीन मेरे लिए बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, कैसे, क्यों नापाक? इन अ सेंस वो उन्होंने बात फैलानी शुरू की कि मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नहा सकते हैं, या शायद टिश्यू नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या इतने वो नीचे गिर गए हैं कि ये अपनी बेटी का हाथ भी सही साफ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मुझे मेरे करीब आना बंद कर दिया था, कोई मेरे साथ बैठता नहीं था, कोई मुझे हाथ नहीं लगाता था, कोई मेरी चीज़ हाथ लगाई हुई चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। और उस वक्त मुझे आई थॉट मेरे साथ इतना बुरा हो रहा था कि मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है। फिर अम्मी मुझसे पूछती थी कि क्यों नहीं जाना है, मैंने कहा बस मुझे नहीं जाना है। और मैं रोती थी, अपनी डायरी में लिखती थी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, और अम्मी ने फिर मेरी डायरी पढ़ ली ना भाई कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अम्मी ने फिर स्कूल फ़ोन किया कि क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ, फिर प्रिंसिपल ने बात की, इज़ लाइक डोंट वरी विल लुक इन टू इट। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अकेली क्लास में थी और जिन लड़कियों ने मेरे बारे में ये बात फैलानी शुरू की उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, फिजिकल अटैक, दे स्टार्टेड थ्रोइंग देयर स्कूल थिंग्स ऑन मी। मुझे बहुत बुरा लगा, अपनी कॉपीज, अपनी पेंसिल केसेस। दैट्स ऑल राइट, टेक योर टाइम, दैट्स ओके, यू कैन प्रोसेस इट एंड वी कैन। तो वहाँ से यू वांट मी टू स्टॉप और यू वांट टू कंटिन्यू? इट्स फाइन, ऑल राइट। तो उसके बाद बस मैंने अंदर जो वॉल्केनो होता है ना वो फट गया, मैं भागी अपने प्रिंसिपल के पास एंड आई हग्ड हिम एंड माई वाइस प्रिंसिपल, शी सॉ मी, शी सेड क्या हुआ, मैंने सब कुछ बताया।
एंड उसके बाद शी सेड के आयशा नेक्स्ट टाइम ऐसा हो कि मैं लड़कियों को नहीं छोड़ूंगी, नेक्स्ट टाइम ऐसा हो यू कम टू मी आई विल टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ। एंड उन्होंने मेरे सामने उन लड़कियों को इतना स्कोल्ड किया कि आई फेल्ट के ठीक है मेरे साथ कोई है, समवन्स ऑन माई साइड। एंड बस आफ्टरवर्ड्स थोड़ा सा बेहतर हुआ बट स्टिल वो यू नो ऑब्वियसली वो एक 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 इट्स एन ऑफुल फीलिंग, इट वाज वेरी ऑफुल। कोई किसी को ऐसे क्यों कर सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक स्ट्रगल है, हर रोज़ उठ के दो दफ़ा अपने आप को इंजेक्शन लगाना, इट्स नॉट ईजी। और फिर आपके इर्द गिर्द लोग ज़िंदगी आपकी आसान नहीं बना रहे, मज़ीद मुश्किल बना रहे हैं, राइट? I had a couple of friends who were always there for me. अच्छी दोस्त थे मेरे थे, एंड वो भी इन अ वे मेरा साथ लेते थे, बिकॉज वो भी समझते थे कि हाँ ये जो हो रहा है कि गलत है, तो हमारा अपना अलग सा ग्रुप हो गया था हम। So Aisha, do you think कि वो लाइल्मी की वजह से ऐसे करती थी, या क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ बहुत सारे वालदैन और जो बच्चे ये देखें उनको पता हो कि यार हमारी क्लास में अगर कुछ लोग हैं जो डिफरेंट हैं, हो सकता है उनके पीछे कोई एक और यू नो वजह हो, जैसे आपकी डायबिटिक कंडीशन थी। सो आपका ख्याल है कि दे उनको मालूम नहीं था, या दे डिड वो जान के डिड इट ऑन पर्पस? और आई फील के इन अ वे दे डिडंट नो, नहीं मालूम, बट आल्सो दे डिड इट ऑन पर्पस। अच्छा, रिएक्शन चाहते थे मुझसे, एंड मैंने वो अनफॉर्चुनेटली वो रिएक्शन दे दिया था। और मैं बहुत कोशिश करती थी कि यू नो आई हैव टू बी स्ट्रांग, आई हैव टू बी स्ट्रांग, बट इंसान कितना सह सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और वो एज भी ऐसी होती है। सो बाद में अपोलोजाइज किया उन्होंने आकर, छह साल बाद अपोलोजाइज, 6 साल बाद वे कैसे हुआ अपोलोजी कैसे? ये एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि मैं एक स्कूल मेला में थी, एंड उस वक्त मैंने अपना प्राइवेट करके मैं दूसरे स्कूल में एडमिट हो गई थी, प्राइवेट एग्जाम्स लेके मैं दूसरे स्कूल में एडमिट हो गई थी, एंड वहाँ मैं बहुत खुश थी बिकॉज मैं एक ऐसी एनवायरनमेंट में थी जहाँ कोई मुझसे सवाल ना करे, जो मुझे जज ना करे, एंड हम इट वॉज एन ऑल गर्ल्स स्कूल, एंड वहाँ पे इतनी सेफ्टी थी, आई फेल्ट के हाँ आई कैन बी ओपन विद दीज गर्ल्स। तो फिर आपने उनको सब अपनी पूरी उनसे दे बिकेम माय गार्डियन एंजल्स। दैट्स अमेजिंग, दे बिकेम माय गार्डियन एंजल्स। एंड फिर ये अपोलॉजी कहाँ से आ गई बीच में? मैं आई एम गेटिंग टू दैट। एक माय मदर वाज करंटली वॉलंटियरिंग फॉर द CCF चिल्ड्रंस कैंसर फाउंडेशन, तो वहाँ उनका मेला था, एंड मैं अम्मी के साथ एक स्टॉल में मैं हिस्सा ले रही थी। एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज कि वहाँ जितने भी मेरे पुराने स्कूल के जो जानने वाले थे स्टूडेंट्स, वो उनको भी इनवाइट किया गया था। तो मेरी मुलाकात हुई उन लड़कियों के साथ जिन्होंने मेरे साथ ये किया था, एंड मैंने इनको बताया कि मैं यू नो मेरे अंदर इतना बदलाव आया, मैं कॉन्फिडेंटली इनसे बातें कर रही हूँ, एंड वो हैरान कि मैं इतना लाइक यू नो इतनी स्टेबल हूँ, इतनी काम हूँ। फिर मैं जब वापस स्टॉल के पास गई, उस लड़की ने मुझे रोका और कहा कि आयशा जो चीज़ें मैंने तुम्हारे साथ की, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैंने बस उसको देखा एंड आई सेड यू मेड इट पॉसिबल, इट्स बिकॉज ऑफ यू, यू मेड इट पॉसिबल। एंड बस उसके बाद से कोई बात नहीं हुई, पर क्लोजर आया। I got the closure. इसका मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट था डायबिटीज, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। मैं दोबारा फिजिकल एस्पेक्ट की तरफ आऊँगी। सो अभी यू राइट नाउ यू 24, आप 24 साल की हैं? आई एम करेंटली 29. 29 ईयर्स की? अच्छा, मुझे तो आप 24 साल की लगती है। प्यूबर्टी आ गई जी, डायबिटीज भी है, प्यूबर्टी भी आ गई है। सो बहुत सारे यंग बच्चों की माएँ हैं जिनकी बच्चियों को डायबिटीज होगी, किन चीज़ों के बारे में वो ख्याल रखें, क्या ऐसे बॉडीली चेंजेस हैं जो डिफरेंट आपको लगे, और उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि डोंट बी अफ्रेड टू टॉक अबाउट इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर खौफ ज़्यादा ना हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उस पर होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। ठीक है, जब लड़की बड़ी हो रही है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जाती है,
तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट होता है डायबिटीज़ पे, बिकॉज यू आर ब्लीडिंग फॉर 7 days. यस. एंड मैंने इस पर इतना रिसर्च किया टू द पॉइंट वे मैं खुद एक्सपीरियंस करने लग गई थी कि अगर इफ़ आई एम ब्लीडिंग फॉर 7 days, दैट मीन्स मेरे शुगर लेवल्स जो होंगे वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे. ठीक है. तो व्हाइल आई एम लूजिंग ब्लड, आई एम माय शुगर लेवल इज़ ड्रॉपिंग. सो एक दो दिन का होता है, एक दो मे बी 3 days का होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जूस साथ रखो या अपनी कोई चॉकलेट साथ रखो या कोई स्वीट्स हो या फिर जितना भी आपको खाना खाना हो आप खाओ. यू नीड द कार्ब्स इनसाइड. उन 7 दिनों में खुराक के ऊपर, जो फूड के ऊपर खास तौर पे फोकस कीजिए. जी जी. आपके जिस्म को जरूरत होगी. जी, बिकॉज योर शुगर लेवल्स विल कीप ड्रॉपिंग एंड ड्रॉपिंग टू द पॉइंट के आप आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैंने इंसुलिन भी नहीं लगाई है, मेरी शुगर क्यों ड्रॉप हो रही है. इट्स ऑल नेचुरल, ये सब नेचुरली हो रहा है बिकॉज यू आर ग्रोइंग. आप एक लड़की हैं, आप बड़ी हो रही हैं, आप लड़की से आप औरत हो बन रही हैं, तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू लाइक दैट, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे. अगर आप एक पॉजिटिव तरीके से इसको लें देन हाँ, ये कंट्रोल हो सकता है. ओके. सो लोग कहते हैं जी डायबिटीज़ अगर हो गई है तो उफ अब क्या बनेगा हमारा ज़िंदगी में, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम हेल्दी लाइफ, हम नेचुरल लाइफ नहीं गुजार सकते जैसे लोग गुजारते रेगुलर लाइफ. रिलेशनशिप्स प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, काम पे हम जाएंगे तो पता नहीं हम परफॉर्म कर पाएंगे, हाई प्रोडक्टिव हम एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं है. सो क्या ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं किस तरह से? इन अ वे होती है. कुछ लोगों को समझ होती है, कुछ लोगों को समझ नहीं होती है. कुछ लोग अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लोग एम्पथाइज करते हैं, कुछ लोग रिलेट करते हैं कि हाँ मेरे किसी खानदान में किसी को है डायबिटीज़ तो मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या गुजर रही है. अगर वो रिलेटेबिलिटी आ जाती है, इफ़ यू फाइंड समवन दैट यू कैन रिलेट टू, अगर उनको भी डायबिटीज़ हो या किसी इनके खानदान में किसी को हो या किसी जानने वाले को हो और उनको वो अंडरस्टैंडिंग हो, तो इन अ वे येस मैनेज हो सकता है. इट्स वेरी मैनेजेबल. वर्किंग इन्वायरमेंट में अगर आप अपने हेड ऑफ़ द ऑफिस या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से आप डिस्कस करें कि मेरी एक मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, और अगर वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं देन दैट्स परफेक्टली फाइन. दैट मीन्स के ठीक है, समवन हैज़ योर बैक, कोई आपके साथ है. कोई आपको इतना भी वो नहीं करेगा हाय हाय तुम्हें तो डायबिटीज है, तुम्हें तो हम तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें इस वक्त, बिकॉज ये नहीं होता. ये नहीं होता. हम लोग समझ से हम बताएंगे वो कहेंगे जी सॉरी यू आर अनएम्प्लॉयबल, ऐसा तो नहीं होता. यस यस एग्जैक्टली. नहीं होता ना ऐसा. नहीं होता है. मुझे डर होता था कि अगर मैं बताऊंगी कैश वो अफेक्ट करेगा. नहीं, बाय द एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझे अपनी तरह एक्सेप्ट कर लिया. अच्छा. एंड इट्स नॉट लाइक के मेरे अंदर कुछ डिफरेंस है, हर किसी इंसान में डिफरेंस है. बात ये है जब ये कंडीशन एक्सेप्ट हो जाती है ना, तो आपके खुद के अंदर में एक्सेप्टेंस हो जाती है, आपको खुद वो क्लोजर मिल जाता है कि हाँ ये मेरे साथ है, ये मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, एंड अगर मैं लड़ूंगी इसके लिए देन सो बी इट, मैं लड़ूंगी इसके लिए. सो आयशा को ऐसा काम जो आप समझते हो मैं नहीं कर सकती बिकॉज वो मुझे तो डायबिटीज़ है. मेरी सबसे बुरी आदत है कि आई डू नॉट लाइक एक्सरसाइजिंग. एक्सरसाइजिंग का बिल्कुल. और ये ज़रूरी है करना. और ये ज़रूरी है करना. बट ऑनेस्टली बता रही हूँ. नहीं कोई रुकावट जो कहें कि जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है तो ओहो ये काम तो मैं नहीं कर सकती. नहीं बट कभी भी फील कि ये आपको किसी चीज़ से रोकती है ये? आई वॉज काइंड ऑफ used to think that way, but अब नहीं होता है. नहीं होता है मुझे, बिल्कुल नहीं होता है. बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो फैमिली सपोर्ट होती है ना, वो ज़्यादा मैटर करती है. एंड मेरे फैमिली में माशा से मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे सिबलिंग्स मुझे सपोर्ट करते हैं. एंड ऑनेस्टली मैं और मेरे भाई जो हैं हम दोनों वॉलंटियर्स हैं, वेल नॉट एग्जैक्टली वॉलंटियर्स, हम दोनों एम्बेसडर्स हैं फॉर जुवेनाइल डायबिटीज फॉर सनोफी. अच्छा. एंड हम वर्कशॉप्स करते हैं. Good. हम स्कूल्स में जाके बच्चों से बात करते हैं कि एज अ डायबिटिक आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है जस्ट बिकॉज आपकी एक ही कंडीशन है. आप कुछ भी कर सकते हो, बस आप अपना ख्याल रखो. मैनेज कर बिकॉज इट्स नॉट अ डेडली डिजीज. या इट्स ओनली एंड इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन एंड इट्स ओनली डेडली if you don't, if it's out of control. Diabetes is the most manageable condition. ठीक है. Because इसमें बस आपको अपने sugars monitor करने पड़ते हैं, आपका insulin monitor करना पड़ता है, जहाँ तक कि आपको खुद एहसास होना चाहिए कि जी
मुझे इतना लगाना चाहिए तो अगर मैं इतना लगाऊंगी मैं ये खा पाऊंगी, मैं ये खा पाऊंगी. मैथ, हर वक्त मैथ. यस, एवरीडे इज मैथ, एवरीडे इज मैथ. तो इफ आई फॉर एग्जांपल अगर मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया कि आई हैव टू पुट 15 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इन माय सिस्टम, तो मैं उसके साथ क्या खाऊं? मैं दाल चावल खा लूँगी, दाल चावल, दाल रोटी. और अगर मेरा शौक नहीं है तो मैं वो सारा हटा के आई विल हैव अ स्लाइस ऑफ केक, वो मेरा लंच हो जाएगा. सो हाँ, तो दैट्स हाउ आई मैनेज, दैट्स हाउ इट गोज. और इस गुफ्तगू का मकसद भी यही था आयशा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे जिनको डायबिटीज़ है, एक तो वो डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, दूसरा ये कि जो ये इसका बुलिंग एस्पेक्ट था, जो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट था, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस. और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं, कुछ बच्चे और बच्चियाँ खास तौर पे देख रहे हैं जो डायबिटिक हैं, वो आयशा के तजर्बे से ज़रूर कुछ सीख सकें. क्या देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.